जय जय श्री राम। जय गिरनारी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इट्स हेवन। जोरदार व्यू है। अभी हम जा रहे हैं दत्तात्रेय यहाँ से। आप यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, 500 सीढ़ी कितना हुआ है अंबाजी से। आप नीचे देख सकते हो, ये गुरु दत्तात्रेय की ओर जाती हुई सीढ़ी है। सब तो अभी हम पहुंच गए गुरु दत्तात्रेय के चरण पादुका के पास, जो गुरु दत्त द्वार है। यहां से हम जाएंगे ऊपर। गुरु दत्तात्रेय के पास, चरण पादुका के पास मैं पहुंच गया हूँ। बहुत ही जोरदार रोमांचक होने वाला है। आप देख सकते हो मेरे पीछे गुरु दत्तात्रेय द्वार है, ये गुरु दत्तात्रेय का। अभी चढ़ाई आई है, बहुत सी ऊपर जाना है और चढ़ाई ज्यादा है आज। अभी अभी चढ़ के जा रहा हूँ, धीरे धीरे चढ़ रहे, ज्यादा फोर्स नहीं करना है, जैसे थकान जैसा लगे तो बैठ जाना है। शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना चढ़ के हम आए। हाँ ये है, अभी बारिश नहीं है चालू तो अच्छा है, लेकिन मौसम बादलों का। जय बाबा री, जय बाबा री, आगे जय गिरनारी। ढाई पांच दिन अभी बादलों में एकदम खुला आसमान हो गया है। बादलों से पहाड़ भी पूरा दिख रहा है। अभी आप देख सकते हो, आप अभी देख सकते हो गुरु दत्तात्रेय की सीढ़ी। गुरु दत्तात्रेय की सीढ़ी की लाइन में अभी हम खड़े हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ से पूरी सीढ़ी चढ़ के हम आए। ऊपर मोबाइल्स वो सब अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ से एंड कर दें। और नीचे उतर के समय आपको वीडियोग्राफी और
बहुत कुछ दिखाएंगे। गुरु दत्ता के पगले के निशान है और यहाँ पे आप दर्शन करने जाएंगे। फोन ऊपर अलाउड नहीं है। तो दोस्तों हमने गुरु दत्तात्रेय के चरणों के दर्शन के लिए अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं। आज धूप है। ऊपर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो कृपया आप मोबाइल ना निकालें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हवा आती रहे। दोस्तों अभी हमें वहाँ ऊपर तक पहुँचना है, वहाँ से ऊपर से वापस नीचे जाना है अंबाजी की टुक तक। अभी हम दत्तात्रेय से आए हुए, वहाँ ऊपर से आए, दर्शन किया और वापस यहाँ तक पहुँचे। अभी आप सोच सकते हो कितनी ऊपर तक जाना है पहाड़ की। फॉरेनर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप इधर आइए और दर्शन कीजिए। सो मित्रों, गुरु दत्तात्रेय से वापिस आने तक बहुत ही जबरदस्त चढ़ाई है। आप देख सकते हो वहां से नीचे उतरे और यहां से वापिस ऊपर चढ़े। गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर लिए, वो अंबाजी की टूक है और यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी के चरण पादुका और उनका दर्शन का मंदिर है। और उसके बाद हमने दत्तात्रेय के मंदिर के दर्शन किए। अभी हम जा रहे हैं वापिस नीचे की ओर अंबाजी की टूक से, अंबाजी मंदिर से और नीचे की ओर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रोपवे के अंदर और यहाँ से हम टिकट लेंगे वापस से दूसरी और नीचे जाएंगे अंबाजी का मंदिर। आपको मैं दिखा वापस से, ये अंबाजी का मंदिर था। अभी हम नीचे जा रहे हैं अंबाजी के मंदिर से। ये अंबाजी टुक कट का है। अंबाजी की टूक तक का गिरनार का पूरा झगड़ा है। यहाँ ऑनलाइन टिकट भी मिलती है लेकिन बारिश का मौसम रहता है तो ऑनलाइन टिकट बंद रहती है। तो कृपया आप सभी को आचरण है कि ऑनलाइन टिकट नहीं, ऑफलाइन टिकट चालू रहती है।
तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए थे, रोपवे से गए थे और रोपवे से आ गए। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए, रोपवे से आए थे, अभी दर्शन हो गए, अभी हम जा रहे हैं हमारी रूम पे प्रजापति भुवन। तो यहाँ से हम जाएंगे जटाशंकर, पहले रूम पे जाएंगे, फिर जाऊँगा मैं जटाशंकर। और तब तक के लिए हम ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग पे में। जय गिरनार, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए नॉर्मली तेजस को। चलो मिलते हैं।